हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर बरुला और माय नंबर इज 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट्स, और उसमें हम बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे थे, और फिर हमने रिस्क असेसमेंट पढ़ा था और डेटा रिकवरी के बारे में पढ़ना हमने स्टार्ट किया था। मतलब डेटा रिकवरी के बाद हम सिस्टम रिकवरी के बारे में पढ़ेंगे। तो डेटा रिकवरी में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और फिर उसके बाद ये जाना था कि डेटा को किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। रिस्क असेसमेंट में भी हम एसेट को क्लासिफाई जिस तरह से करेंगे, उसी तरीके से यहाँ पर डेटा को क्लासिफाई करेंगे, क्रिटिकल, वाइटल, सेंसिटिव, नॉन क्रिटिकल। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैकअप, यानी कि जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी, क्योंकि हमारी स्टडी में दिया हुआ है, तो एक बार और उसको हम पढ़ लेते हैं। बैकअप्स बेसिकली जो हम बैकअप लेते हैं, एक तो सिस्टम बैकअप लेते हैं, प्योर डेटा बैकअप लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टैली है, टैली में आप बैकअप लेते हो तो सिस्टम बैकअप नहीं लेते हो, केवल टैली के डेटा का बैकअप लेते हो। तो ये प्योर डेटा बैकअप है, और जहां डेटा का बैकअप और सिस्टम फाइल्स का बैकअप साथ में लेते हो तो उसे सिस्टम बैकअप कहते हैं। तो यानी कि एक चीज़ ध्यान देने की बात है, सिस्टम बैकअप्स, और अगर कोई आपसे बोलेगा डेटा बैकअप, प्योर डेटा बैकअप या डेटा बैकअप और सिस्टम बैकअप, तो दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए। सिस्टम बैकअप में सिस्टम फाइल्स भी होंगी और डेटा तो होगा ही होगा, और डेटा बैकअप में, प्योर डेटा बैकअप में डेटा होगा केवल। जैसे फॉर एग्जांपल टैली होती है, टैली में हम क्या करते हैं, डेटा को, डेटा का बैकअप रखते हैं। तो सिस्टम बैकअप और प्योर टैली, प्योर डेटा बैकअप, दो चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सिस्टम बैकअप्स जो हैं वो या तो फुल होते हैं, इंक्रीमेंटल होते हैं, या डिफरेंशियल होते हैं। फुल का मतलब क्या होता है, फुल का मतलब पूरे पूरे डेटा का बैकअप रखना, यानी आज शाम अगर हम डेटा का बैकअप रख रहे हैं तो सारे के सारे डेटा का बैकअप रखेंगे। फुल डेटा बैकअप, सारी फाइल्स, सारा डेटा, जो जितनी भी फाइल्स हैं किसी भी डिस्क में, फोल्डर में हैं, तो वो सारी की सारी बैकअप रखी जाती है। और ये बैकडअप फाइल जो हैं एक सिंगल मीडिया में या मीडिया सेट में रखी जाती हैं। तो इससे क्या है कि अगर हम किसी फाइल को लोकेट कर रहे हैं, पर्टिकुलर फाइल, ग्रुप ऑफ फाइल को, तो बहुत सिंपल होता है। लेकिन जो टाइम लगता है फुल बैकअप में, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि फुल बैकअप में पूरा बैकअप आप रख रहे हैं, आप जो फाइल चेंज नहीं हुई उनका भी बैकअप रख रहे हैं। तो फुल बैकअप जो है टाइम उसमें ज़्यादा लगता है। तो इसमें क्या है कि कई बार आपको अननेसेसरी मीडिया स्टोरेज की रिक्वायरमेंट हो जाती है, क्योंकि मालूम पड़ा आपके कुछ टीवी का डेटा है, लेकिन मालूम पड़ा कुछ एमबी चेंज हुआ सेट, तो अगर आप फुल बैकअप रख रहे हो तो एक्सेसिव अननेसेसरी मीडिया स्टोरेज रिक्वायरमेंट आती है। ये सबसे ज़्यादा ईजी होता है रिट्राइव करने के लिए। रिट्राइव किया आपने, फुल बैकअप है, पूरा बैकअप रिट्राइव करके रख दिया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगेगा। अगर सपोज़ पूरा जितना डेटा है उसको बैकअप कर रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसके बाद होता है इंक्रीमेंटल बैकअप और डिफरेंशियल बैकअप। जो फुल बैकअप होता है वो सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है, उसके बाद डिफरेंशियल बैकअप, और फिर इंक्रीमेंटल बैकअप। अगर फुल, एक बार आपने फुल बैकअप ले लिया, उसके बाद या तो आप फुल बैकअप ले सकते हो फिर से अगले दिन का, या इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल बैकअप ले सकते हो। अब इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल बैकअप क्या होते हैं? इंक्रीमेंटल बैकअप में क्या होता है कि जैसे आज सैटरडे को आपने, फ्राइडे नाइट को आपने पूरा बैकअप ले लिया, अब सैटरडे को आपका ऑफिस बंद है, कोई वो नहीं हुआ, संडे को वो नहीं हुआ, मंडे को आपने क्या इंक्रीमेंटल बैकअप ले लिया, मंडे शाम को इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल बैकअप ले लिया, तो मंडे शाम तक का जो फाइल में चेंज हुआ, मान लिया सपोज 100 फाइल्स हैं, सैटरडे को आपने ले लिया और 3 फाइल में चेंज आया, और मंडे को 3 फाइल में चेंज आया, तो मंडे की शाम को आप इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल बैकअप जब लोगे तो 3 ही फाइल में चेंज आया होगा। वो जो चेंज्ड फाइल है उन्हीं का बैकअप लोगे, बाकी का नहीं लोगे। अब सपोज ट्यूसडे में आते हैं, ट्यूसडे में क्या होता है कि 4 फाइलें और चेंज हो जाती हैं, तो इंक्रीमेंटल बैकअप में तो आप 4 फाइल का बैकअप लोगे, लेकिन डिफरेंशियल बैकअप में 7 फाइल्स का बैकअप लोगे। डिफरेंशियल बैकअप जो है लास्ट फुल बैकअप से लिया जाता है, यानी लास्ट फुल बैकअप है उससे लिया जाता है, उसके बाद पूरे दिन का बैकअप लिया जाता है। इंक्रीमेंटल बैकअप उस दिन का बैकअप लिया जाता है, जो लास्ट इंक्रीमेंटल बैकअप के बाद का इंक्रीमेंटल बैकअप लिया जाता है। तो यानी कि अगर सपोज आपका 6 दिन वर्किंग है, सैटरडे रात को आपने बैकअप, फुल बैकअप ले लिया, सैटरडे को आप फुल बैकअप ले लेते हो, फिर मंडे को आप आते हो और मंडे को 3 फाइल में चेंजेस आता है, तो उस दिन इंक्रीमेंटल बैकअप और डिफरेंशियल बैकअप सेम होगा।
यानी कि तीन फाइल का आप बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप ले रहे हो तब भी लोगे, डिफरेंशियल बैकअप ले रहे हो तब भी तीन फाइल का लोगे, लेकिन ट्यूसडे होते ही सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ट्यूसडे में क्या होगा कि लास्ट फुल बैकअप से ट्यूसडे नाइट तक का बैकअप डिफरेंशियल कहलाएगा, लेकिन केवल ट्यूसडे का बैकअप इंक्रीमेंटल बैकअप कहलाएगा। तो यानी कि फुल बैकअप के बाद पहले दिन के एंड में इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल बैकअप सेम रहेंगे, यानी कि उसके बाद जो है इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल बैकअप चेंज हो जाएंगे। तो फुल बैकअप काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, डिफरेंशियल बैकअप वो सेकंड नंबर में टाइम लगाएगा, और इंक्रीमेंटल बैकअप सबसे कम टाइम लगाएगा। इंक्रीमेंटल बैकअप केवल वो फाइल्स को लेता है जो लास्ट बैकअप के बाद, फुल बैकअप के बाद नहीं कर रहा हूँ मैं, लास्ट बैकअप के बाद जो फाइल्स होती हैं उन्हीं बैकअप किया जाता है। लास्ट बैकअप कुछ भी हो सकता है, बैकअप टाइप कुछ भी हो सकता है, इंक्रीमेंटल हो सकता है, कोई भी डिफरेंशियल बैकअप हो सकता है। मतलब अगर आपने लास्ट जो बैकअप लिया है उसके बाद वो बैकअप लेगा, कहने का मतलब है फुल बैकअप के बाद आपने एक बैकअप लिया, उसके बाद आपने जो बैकअप लिया उसको इंक्रीमेंटल बैकअप कहेंगे, उसके बाद फिर आप बैकअप लोगे उसको इंक्रीमेंटल कहेंगे, लेकिन डिफरेंशियल बैकअप फुल बैकअप के बाद लिया जाता है। फुल बैकअप के बाद जितना भी पीरियड होगा उसको पूरा बैकअप लेगा, हर बार लेगा। तो डिफरेंशियल बैकअप हर बैकअप के बाद बढ़ता जाएगा, डिफरेंशियल बैकअप जो होगा, और इंक्रीमेंटल बैकअप होगा एक एक दिन का होता जाएगा। तो लेकिन ऐसा है कि अगर आप सिस्टम रिकवर करना चाहोगे तो इंक्रीमेंटल बैकअप में हर दिन के बैकअप्स को ऐड करना पड़ेगा आपको। मतलब आप क्या करोगे कि अगर मान लीजिए सपोज सैटरडे के, अगर मान लीजिए सपोज थर्सडे के दिन कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आप फुल बैकअप लोगे, मंडे का बैकअप लोगे, ट्यूसडे का बैकअप लोगे, ट्यूसडे का इंक्रीमेंटल, वेनसडे का, थर्सडे का, और वो सबको ज्वाइन कर दोगे। तो इस तरीके से इंक्रीमेंटल बैकअप काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मालूम पड़ा फुल बैकअप आपने लिया, उसके बाद आप जो है अगर हर दिन एक फाइल चेंज हुई है तो हर दिन की फाइल आपको चाहिए होगी, हर दिन के इंक्रीमेंटल बैकअप आपको चाहिए होंगे, तभी सारी एंटायर डायरेक्टरी तभी रिस्टोर कर सकते हो आप इंक्रीमेंटल बैकअप में। डिफरेंशियल बैकअप में क्या है कि लास्ट फुल बैकअप से आप बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप लेते हो। तो अगर मान लिया कहीं पर रिस्टोरेशन करना है तो आप क्या करोगे, जो लास्ट फुल बैकअप लोगे और जो करंट डिफरेंशियल बैकअप लोगे, दो, जो डिफरेंशियल बैकअप में दो फाइल्स आपको चाहिए होंगे, दो बैकअप्स चाहिए होंगे, यानी एक तो डिफरेंशियल बैकअप चाहिए होगा और एक लास्ट फुल बैकअप चाहिए होगा और रेस्टोर हो जाएगा। फुल बैकअप में केवल फुल बैकअप चाहिए होगा, रेस्टोरेशन में डिफरेंशियल बैकअप में लास्ट फुल बैकअप चाहिए होगा और डिफरेंशियल बैकअप चाहिए होगा, इंक्रीमेंटल बैकअप में लास्ट फुल बैकअप चाहिए होगा और सारे इंक्रीमेंटल बैकअप चाहिए होंगे। तो ये इन तीनों चीज़ में डिफरेंस है। तो डिफरेंशियल बैकअप में थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये आता है कि भाई जैसे जैसे पीरियड फुल बैकअप से, जैसे आप हर महीने के एंड में फुल बैकअप लेते हो और फिर डिफरेंशियल बैकअप लेते हो, तो जैसे जैसे आप पीरियड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टाइम ज़्यादा लगेगा बैकअप लेने में। तो जनरली क्या होता है, कई बार आप कॉम्बिनेशन ऑफ बैकअप यूज़ करते हो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और रिकवरी रिक्वायरमेंट के, डिपेंडिंग ऑन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और रिकवरी रिक्वायरमेंट आप कॉम्बिनेशन ऑफ बैकअप यूज़ करते हो। सपोज़ आप हर मंथ के एंड में फुल बैकअप लेते हो और फिर क्या होता है कि आप सपोज़ डिफरेंशियल बैकअप लेते हो हर वीक के एंड में, हर मंथ, हर डेली आप इंक्रीमेंटल बैकअप लोगे और हर वीक वीक में एक डिफरेंशियल बैकअप ले लोगे, तो क्या होगा कि आप आपने 31 तारीख हुई आपने फुल बैकअप ले लिया, फिर एक तारीख को इंक्रीमेंटल लिया, दूसरे को इंक्रीमेंटल, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठे को और सात तारीख को डिफरेंशियल बैकअप ले लिया। डिफरेंशियल बैकअप क्या हुआ, पास्ट से अब तक का बैकअप हुआ। तो हर वीक आप डिफरेंशियल बैकअप ले लोगे लेकिन हर डे आप इंक्रीमेंटल बैकअप ले लोगे। तो इससे क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ बैकअप्स आप यूज कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि सैटरडे, क्योंकि टाइम होता है आपको, सैटरडे या संडे जो होता है टाइम होता है, तो उस दिन आप डिफरेंशियल बैकअप चला सकते हो। उसमें क्या है कि सिस्टम के रिसोर्सेज उतने यूज़ नहीं होते हैं क्योंकि डिफरेंशियल बैकअप में टाइम लगेगा, जैसे जैसे डिफरेंशियल बैकअप बीतता जाएगा। तो आपने कहा कि जी मंथ एंड में तो फुल बैकअप लूँगा और या जो लास्ट
वीक ऑफ द मंथ में तो फुल बैकअप लूंगा, लास्ट संडे ऑफ द मंथ में तो फुल बैकअप, सैटरडे की नाइट से स्टार्ट करूंगा, लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ में फुल बैकअप लूंगा, लेकिन उसके बाद फिर मैं इंक्रीमेंटल लूंगा, उसके बाद डिफरेंशियल लूंगा। तो ये सारी चीज़ें, तो जब आप एक सिस्टम बैकअप को डेवलप करते हो, सिस्टम बैकअप शेड्यूल को डेवलप करते हो, तो कुछ फैक्टर्स आपको कंसिडर करने पड़ेंगे कि कहाँ मीडिया रखोगे, डेटा बैकअप क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बैकअप क्या करना है, टाइम कितना चाहिए बैकअप को रिक्वायर रिट्राइव करने के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में। उसके बाद जैसे इमरजेंसी सिचुएशन है तो आपको इंस्टेंटली करना है तो फुल बैकअप आपको जल्दी रिट्राइव करेगा, उसके बाद डिफरेंशियल बैकअप करेगा, उसके बाद इंक्रीमेंटल बैकअप करेगा। मीडिया लेबलिंग की स्कीम्स आपको देखनी पड़ेगी, फुल बैकअप है तो इजी लेबलिंग होगी, डिफरेंशियल है तो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, इंक्रीमेंटल है तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। उसके बाद लेंथ ऑफ टाइम जो बैकअप मीडिया आपको रिटेन करना है, एनवायरमेंटल कंट्रोल्स क्या हैं बैकअप मीडिया को प्रिजर्व करने की। उसके बाद अप्रोप्रिएट बैकअप मीडिया देखना पड़ेगा, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज जो है आपको चूज़ करनी पड़ेंगी। उसके बाद मीडिया रीडर्स कैसे हैं, अल्टरनेटिव साइट्स में देखना पड़ेगा, जैसे टैली वगैरह जो है, कौन सा फाइनेंशियल सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो या कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, ये आपको देखना पड़ेगा। तो बेसिकली डिफरेंट टाइप के बैकअप हैं, तीन डिफरेंट टाइप के बैकअप्स हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ बैकअप्स यूज़ कर सकते हो, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ बैकअप्स या बैकअप्स जो हैं कुछ फैक्टर्स हैं, उसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि किस तरीके से आपको बैकअप लेना है, किस तरीके से आपको बैकअप रखना है। इसके बाद क्या है कि जैसे बैकअप मीडिया है आपको, वो उसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये ऑफ साइट सिक्योर्ड लोकेशन में आपको स्टोर करना पड़ेगा, एनवायरमेंटली कंट्रोल लोकेशन होना चाहिए। ऑफ साइट लोकेशन जब आप ढूंढ रहे हो तो आप देखो कि लोकेशन क्या है, एसेसिबिलिटी है कि नहीं है, कितना टाइम लगेगा, फिजिकल स्टोरेज लिमिटेशंस क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स क्या हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मीडिया आपको रिट्राइव करना है, जिस मीडिया में आपको रिट्राइव करना है, तो आप रेगुलर बेसिस में आपको टेस्ट करना चाहिए, हर 3 महीने 4 महीने या 2 महीने में टेस्ट कर लो, हर क्वार्टरली टेस्ट कर लो कि जो बैकअप लिया जा रहा है वो सही लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। तो उससे ये पता चल जाएगा बैकअप हो रहा है, रखा जा रहा है कि नहीं रख पा रहा है, नहीं हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फिर हमारी स्टडी फाइनली बोलती है टेक्निकल मेथड्स फॉर बैकअप, बैकअप के लिए वो टेक्निकल मेथड्स बताती है। सबसे पहले उसने फ्लॉपी डिस्क बताया, लेकिन ये चीपेस्ट है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में ये सॉल्यूशन किया जा सकता है, लेकिन आज की डेट में ऑब्सलीट हो गया है। मतलब फ्लॉपी डिस्केट एक हिस्टोरिकल बैकअप आप ये कहना चाहिए था, जो डिस्किट्स हैं फ्लॉपी डिस्क जो आती थी पहले, अब वो यूज़ में नहीं है, लेकिन वो चीपेस्ट थी अपने टाइम पर जो है, जब सीडी वगैरह आई थी और फ्लॉपी डिस्क हाथ में चलती थी, वो चीपेस्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो हैं उसमें बैकअप में रखा करते थे, वन ऑफ द चीपेस्ट मीडिया था, लेकिन अब ये ऑब्सोलीट हो चुके हैं। हमारी स्टडी ने दिया है उसको एक हिस्टोरिकल हिस्ट्री के रूप में देते तो ज़्यादा बेटर रहता। उसके अलावा क्या है कि ये जो है इनकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, स्लो होती हैं, लीस्ट रिलायबल होती हैं, मतलब कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं ये। उसके बाद कॉम्पैक्ट डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क में आपका सीडी रोम्स हैं, मतलब रीड ओनली मेमोरीज हैं, स्टैंडर्ड्स पेरिफेरल्स होती हैं डेस्कटॉप कंप्यूटिंग में, लेकिन अब ये भी ख़त्म होती जा रही हैं, मतलब सीडीज हैं अभी चल रही हैं, लेकिन धीरे 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 इनका ज़माना ख़त्म होते जा रहा है। तो आजकल कुछ कंप्यूटर्स आने लगे हैं जिसमें सीडी राइटर्स नहीं होते हैं, क्योंकि इनका टाइम जा रहा है। पहले क्या है कि जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी तो कई कंप्यूटर्स थे उनमें सीडी जो थी ड्राइव्स, राइटेबल सीडी ड्राइव्स होती ही नहीं थी, या नहीं सीडी ड्राइव्स होती नहीं थी क्योंकि नई चीज़ थी, एडवांस कंप्यूटर में होती थी। आजकल उल्टा हो गया है कि कुछ कंप्यूटर्स में सीडी जो है ड्राइव उन्होंने ख़त्म कर दी है, आजकल पेन ड्राइव वगैरह का ज़माना आ गया। तो ये लो कॉस्ट स्टोरेज मीडिया होते हैं, हायर स्टोरेज कैपेसिटी होती है फ्लॉपी डिस्क से, और मतलब राइट रीड दोनों कर सकते हैं। तो अगर आपको राइट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइटेबल रीराइटेबल ड्राइव होनी चाहिए आपके पास, यानी कि जो डिस्क जहाँ पर आप लगा रहे हो वहाँ राइटेबल ड्राइव होनी चाहिए और अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर होना चाहिए।
इसके बाद हमारी स्टडी जो है रेप्लिकेशन और सिंक्रनाइजेशन के बारे में बात करती है, डेटा रेप्लिकेशन और सिंक्रनाइजेशन। तो ये मेथड जो है आजकल यूज़ हो रही है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आपके हैंडल कंप्यूटर्स हैं या आपके लैपटॉप्स हैं या आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो क्या होता है कि आप उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर में रीराइट कर सकते हो। तो रेप्लिकेशन और सिंक्रनाइजेशन की मेथड्स हो रही हैं और ये बढ़ेंगी। जैसे जैसे मोबाइल आप यूज़ करोगे तो कई बार क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आजकल ये जो आपके पास आई कैमराज यानी गूगल ग्लास वगैरह आ रहे हैं, तो वो क्या है कि वो रिकॉर्ड करेंगे और आपका डेटा जो है डाउनलोड करते जाएंगे, रियल टाइम में डाउनलोड करते जाएंगे। तो आप कई बार क्या है कि कई लोग लाइफ लॉगिंग करने लगे। लाइफ लॉगिंग का मतलब अगर वो जा रहे हैं तो वो चाहते हैं कि जाते हुए अपनी लाइफ के कोई भी पिक्चर्स वो अगर खींचना चाहें तो वो खींचना ऑटोमेटिकली खींच सकें और वो ऑटोमेटिकली कहीं किसी ड्राइव में सेव हो जाए। तो रेप्लिकेशन और सिंक्रनाइजेशन वहाँ पर यूज़ होगा। दो अभी मोबाइल आने की वजह से रेप्लिकेशन और सिंक्रनाइजेशन काफ़ी यूज़ होने लग गया है, लेकिन इसका यूज़ बढ़ेगा। लाइफ लॉगिंग या कंप्यूटर आपके पास गूगल ग्लासेस या इस टाइप के जो चीज़ें हैं वो जैसे जैसे आने लगेंगे उसमें काफ़ी यूज़ होने लगेगा। इसके बाद इंटरनेट बैकअप या ऑनलाइन बैकअप्स हैं। तो कमर्शियल सर्विसेज आजकल आ गई हैं, क्लाउड सर्विसेज आ गई हैं, तो रिमोट लोकेशन में आपका एक बैकअप होगा और आप एक फ़ीस दोगे तो क्या होगा कि वो उस डेटा को रख लेंगे। मतलब इनक्रिप्टेड फॉर्म में अगर आप रखना चाहोगे तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रख लेंगे, अगर इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजना चाहोगे तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजे हुए डेटा को रखेंगे। और उसमें क्या होता है कि जब भी रिट्राइवल है तो आप रिट्राइव कर सकते हो, लेकिन इसमें डेटा स्पीड का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर मान लिया सपोज़ आप कोई डेटा यूट्यूब में ऊपर रखना अपलोड करना चाहते हो, तो हाई डेफिनेशन यूट्यूब हाई डेफिनेशन कैमरा से आपने कोई मूवी खींची और उसको अपलोड करना चाहते हो तो उसमें बहुत टाइम लगता है, तो उसमें जो स्पीड की लिमिटेशन काफ़ी आ जाती है, तो ये स्पीड की लिमिटेशन आपको देखनी पड़ेंगी। तो इसमें क्या होगा कि एक सॉफ्टवेयर आएगा, सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में लग जाएगा और उसके बाद यूटिलिटी इंस्टॉल हो जाएगी सॉफ्टवेयर में, तो जो भी आपने बैकअप करना है उसमें आपने क्लिक वगैरह किया और वो बैकअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक आर्काइवल स्कीम भी होगी ताकि ऐसा है कि डेटा ओवरराइट ना हो, और जहां आपको डेटा ओवरराइट करना है वहां डेटा ओवरराइट की फैसिलिटी हो जाए, या बेसिकली ओवरराइट करने के बजाय ये है कि जो डेटा आपको डिलीट करना है तो वो डिलीट हो जाए। तो ये इंटरनेट बैकअप्स हैं। इसके बाद रिमूवेबल कार्ट्रिजेज हैं। तो रिमूवेबल कार्ट्रिजेज जैसा नाम है, रिमूवेबल कार्ट्रिजेज हैं, रिमूवेबल है। तो ये ऐसा है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर वगैरह में तो ये कॉमन नहीं है, लेकिन ऐसा है कि पोर्टेबल एक्सटर्नल बैकअप सॉल्यूशंस के रूप में ये काम करते हैं। तो रिमूवेबल कार्ट्रिजेज महंगे होते हैं फ्लॉपी डिस्क से और टेप मीडिया के कंपेरेबल इनकी कॉस्ट होती है, लेकिन रिमूवेबल कार्ट्रिजेस फास्ट होते हैं, उनकी पोर्टेबिलिटी अलाउ करती है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। पोर्टेबल डिवाइसेज आते हैं, स्पेशल ड्राइवर्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, ये डेटा बैकअप फैसिलिटी फैसिलिट करते हैं, यानी डेटा बैकअप को बड़े फास्ट करते हैं। तो हम ये नहीं समझ पाएंगे, कई बार क्या होता है कि हम सोच रहे होंगे हम ये इतने बैकअप्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर बंदा बैकअप कर रहा है उसको बैकअप में टाइम लगेगा, आपको टाइम नहीं लगेगा, आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन का बैकअप है तो कई बार बैकअप में बहुत टाइम लगता है, बहुत आप जैसे फॉर एग्जांपल आप थोड़ा सा एक हाई डेफिनेशन कैमरा लो और बढ़िया कैमरा लो, हाई डेफिनेशन जो फुल एचडी एफएचडी है, फुल एचडी वीडियो खींचो और उसे यूट्यूब में अपलोड करने की कोशिश करो, तो आपको एक आधे घंटे का वीडियो एक दिन डेढ़ दिन लग जाएगा उसको अपलोड करने में। तो जहाँ पर आप सोचो कि जहाँ टेट्राबाइट्स का डेटा है और उसको आपको एक जगह पर संभाल के रखना है, तो वहाँ पर क्या है रिमूवेबल कार्ट्रिजेस जो हैं हम यूज़ कर रहे हैं या इंटरनेट बैकअप यूज़ कर रहे हैं, ये इतनी मेथड्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हर मेथड्स अलग अलग सिचुएशन के लिए है और थोड़ा थोड़ा चेंजेस की वजह से वहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। तो यानी बैकअप आप एक स्पेशलाइज्ड फील हो रहा है, तो फील्ड हो गया है और वहाँ पर हम चाहते हैं कि जल्दी बैकअप हो, डेटा से उसका रिट्राइवल बड़ी तेज़ी से हो, इसलिए हम इतने टाइप के बैकअप्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा टेप ड्राइव्स हैं। टेप ड्राइव्स जो है मैग्नेटिक टेप्स हैं, बेसिकली जो हमारी स्टडी में टेप ड्राइव्स दिया है वो मैग्नेटिक टेप है। मैग्नेटिक टेप्स क्या होता है कि बढ़िया मेथड है,
अगर आपके पास डेटा काफ़ी ज़्यादा है, और लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपको ऑफ साइट में इसे स्टोर करना पड़ेगा, तो इसे में ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन टाइम लग जाता है रिकवरी करने में, ट्रांसपोर्टेशन टाइम लग जाता है। तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ कंपनी इस मेथड को यूज़ कर रही है, ये मैग्नेटिक टेप यूज़ होता है। और रेस्टोरेशन के लिए आप क्या करते हो कि सबसे पहले तो आप इसे स्टोर कर देते हो बैकअप साइट्स में, मैग्नेटिक टेप में आप यूज़ करते हो, रिलायबल मेथड है। जैसे पहले कैसेट्स आते थे, गाने के कैसेट्स आते थे, तो उसी तरीके की टेप होती है इसके अंदर, और ऑडियो कैसेट्स आते थे, ऑडियो कैसेट्स के अंदर टेप होता था और वो उसी टाइप के टेप्स होते हैं। तो ऑडियो कैसेट में आपने देखा होगा बहुत लंबे समय तक डेटा सेव होता था, इन ये मैग्नेटिक टेप्स की क्वालिटी और बेटर होती है। तो आप डेटा उसमें स्टोर कर देते हो और उसके बाद क्या होता है कि वो ऑफ साइट में जाकर रख देते हो, लेकिन फिर जब उसे रिट्राइव करना होता है उस डेटा को लाना पड़ता है और फिर मैग्नेटिक टेप की तरह चलाना पड़ता है उसे, उसके बाद डेटा स्टोर होता है। तो ये प्राइमरी डेटा स्टोरेज की के मेथड के रूप में यूज़ किया जा सकता है, रेस्टोरेशन मेथड्स के रूप में यूज़ किया जा सकता है, और कई कंपनी जो डिज़ास्टर रिकवरी को प्लान करती हैं वो इस मेथड्स को यूज़ करती हैं। लेकिन इसमें केवल एक डिसएडवांटेज है, मैनुअल ट्रांसपोर्टेशन होगा और कई बार क्या होता है कि रेस्टोरेशन करने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। इसके अलावा नेटवर्क्ड डिस्क हैं। तो नेटवर्क डिस्क में क्या होता है कि जैसे आप कई कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, नेटवर्क कंप्यूटर्स होते हैं, तो नेटवर्क कंप्यूटर्स हैं तो क्या है, नेटवर्क डिस्क है, मालूम पड़ा कॉमन ड्राइव है, कॉमन ड्राइव को हम नेटवर्क डिस्क कहते हैं। जो हमारी स्टडी में नेटवर्क डिस्क लिखा है वो कॉमन ड्राइव है। कॉमन ड्राइव में क्या होता है कि आपको एक ड्राइव अवेलेबल हो जाती है, और आप फाइनेंस हो तो एक फाइनेंस ड्राइव अवेलेबल होगी। अब आप जो है वहाँ पर डेटा जाकर रख सकते हो। अगर आप फाइनेंस में 10, 12, 50 जो भी 15 आदमी हो या 3 आदमी हो, 4 आदमी हो, जितने भी आदमी हो, वो उस ड्राइव में डेटा सेव करते चले जाते हैं। तो ये नेटवर्क डिस्क है। नेटवर्क डिस्क में क्या है कि एक सर्वर होता है जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी होती है, स्टोरेज सर्वर आप कह सकते हो, उसमें नेटवर्क डिस्क होती है। तो उसमें उसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर मान लीजिए सपोज आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट दूसरी सिटी में, दिल्ली में है और एक बॉम्बे में है, एक बेंगलोर में है, तो मालूम पड़ा उनकी जो कॉमन ड्राइव है, नेटवर्क डिस्क है, वो सेम है, तो वहाँ पर सारे लोग डेटा सेव कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, नेटवर्क डिस्क को भी आप बैकअप ले सकते हो, मतलब वो जो नेटवर्क डिस्क में जो डेटा सेव है उसका भी बैकअप ले सकते हो। तो नेटवर्क डेटा का भी बैकअप लिया जा सकता है। इसके अलावा एक और मेथड है इलेक्ट्रॉनिक वॉल्टिंग और रिमोट जनरलिंग, और उसके बाद पढ़ेंगे रिमोट मिररिंग। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वॉल्टिंग, यानी कि कैसा वॉल्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्टिंग। वॉल्ट, जब आप बैंक में जाते हो, एक वॉल्ट खरीदते हो और आपके पास गोल्ड वगैरह होता है, उस वॉल्ट में रख देते हो, अब लॉकर मिलता है बेसिकली, तो वो वॉल्टिंग, वॉल्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉल्टिंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेथड से हम वॉल्टिंग कर रहे हैं। लेकिन ये वॉल्टिंग मैनुअल वॉल्टिंग नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्टिंग है। जब हम बैंक में जाते हैं, सामान रखते हैं, तो मैनुअल वॉल्टिंग है। इलेक्ट्रॉनिक वॉल्टिंग में क्या होता है कि मैनुअल प्रोसीजर को रिप्लेस कर देती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है तो मैनुअल प्रोसीजर, जहाँ ई आ गया वहाँ आदमी हट जाना है, इलेक्ट्रॉनिकली काम होगा, वहाँ ह्यूमन बीइंग हटना है, मैनुअल मेथड्स हट जानी है, वहाँ पर प्रिसाइज मेथड आनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉल्टिंग इलेक्ट्रॉनिक मेथड से वॉल्टिंग होती है, वहाँ मैनुअल प्रोसीजर्स हटा दिया जाता है। और क्या होता है कि जैसे हमने टेप ड्राइव्स में पढ़ा था कि आपने किया, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट किया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ वाइड एरिया नेटवर्क होता है, उस कनेक्शन होता है कंपनी फैसिलिटी और रिमोट टेप लाइब्रेरी में, उसमें हाई बैंडविथ नेटवर्क इंटरकनेक्शन होता है, मतलब उसमें बैंडविथ उसकी बहुत हाई होती है। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए सपोज सिस्टम डाउन हो गया, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास कनेक्शन है और वहाँ से डेटा अपने आप, वहाँ से डेटा आ जाएगा, ईजिली आ जाएगा, मतलब टाइम लैग नेग्लिजिबल रहेगा। जो आपकी मैनुअल वॉल्टिंग है उसमें तो क्या है, जैसे टेप ड्राइव्स गया और वेबसाइट स्टोरेज साइट में गया, और स्टोरेज साइट अगर यहाँ डिज़ास्टर हो गया तो एक आदमी भेजोगे, वो स्टोरेज लेकर आएगा, फिर वो चलाएगा और उसके बाद फिर रिस्टोर करोगे। यहाँ वाइड एरिया नेटवर्क होगा जिसमें बैंडविथ नेटवर्क इंटरकनेक्शन हाई बैंडविथ लगी होगी, और चूंकि यहाँ पर बहुत हाई बैंडविथ होगी तो रिकवरी करना कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, बहुत इमीडिएटली आप
सिस्टम बैकअप फैसिलिटी से स्टोरेज लोकेशन में डेटा पहुंच जाएगा और रिस्टोर कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि इधर डिजास्टर हुआ, उधर क्या हुआ कि अभी रिकवरी पर्सनल मान लिया हॉट साइट में आ रहे हैं, हॉट साइट वो साइट होती है जहाँ पर ऑपरेशंस चल रहे होते हैं, तो मालूम पड़ा रिकवरी पर्सनल पहुँचे उससे पहले डेटा रिस्टोर हो गया, ये इसका फ़ायदा है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोल्टिंग तो हो गई, अब इसके बाद पढ़ते हैं रिमोट जनरलिंग। रिमोट जनरलिंग क्या है? रिमोट जगह पर जनरलिंग, यानी ट्रांजैक्शन लॉग्स और जर्नल्स जो हैं वो रिमोट लोकेशन पर ट्रांसफर किए जाते हैं। तो रिमोट जनरलिंग क्या है? रिमोट जगह पर जनरलिंग की जाएगी। जनरलिंग मतलब क्या है? लॉग्स या जर्नल्स जो हैं रिमोट लोकेशन पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो रिमोट जनरलिंग के लिए आपको क्या चाहिए? रिमोट जनरलिंग के लिए डेडिकेटेड ऑफ साइट्स चाहिए, मतलब ऑफ साइट लोकेशन में चाहिए, और ऐसा है कि आप डेटा ट्रांसफर होता चले जाएगा, जो बैकअप्स हैं वो इन साइट्स में रखे जाएंगे और ये रिमोट साइट्स में बैकअप्स रखे जाएंगे, तो डेटा ट्रांसफर होते जाएगा। और इसमें क्या होगा कि ऐसा है कि मालूम पड़ा अगर मान लिया कोई डेटा रिट्राइव करना है आपको, तो लॉग्स होंगे, लॉग्स के थ्रू आप डेटा रिट्राइव कर सकते हो, मतलब साइट में रिट्राइव कर सकते हो। तो जो है रिमोट जनरलिंग में रिमोट जगह पर डेटा रखा जाएगा, इसलिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। मालूम पड़ा कोई दोनों जो हॉट साइट है और दूसरी साइट में उसमें डिस्टेंस होगी, तो रिमोट साइट में आप डेटा रखोगे। तो ये डिपेंड करता है क्या वॉल्यूम, क्या फ्रीक्वेंसी होगा डेटा का ट्रांजैक्शन, रिमोट जर्नलिंग और इलेक्ट्रॉनिक वो वॉल्टिंग जो है मतलब लिमिटेड बैंडविथ होगी या हाई बैंडविथ होगी, बल्कि रिमोट जर्नलिंग होती ही इसलिए कि लिमिटेड बैंडविथ जहाँ पर अवेलेबल होती है वहाँ पर क्या होता है बेसिकली लॉग्स वगैरह बना दिए जाते हैं, और जो लॉग्स जो डेटा जाता है आपको लॉग्स होते हैं उससे आप पर्टिकुलर डेटा को रिकवर कर लेते हो। तो यानी कि जो अगर मान लिया सपोज आप इंस्टेंटली पूरे डेटा को रिकवर नहीं कर पा रहे हो, एक पर्टिकुलर डेटा को रिकवर करना है अगर मान लिया डिजास्टर हो गया, तो रिमोट जर्नलिंग के थ्रू कर सकते हो, क्योंकि उसमें जर्नल्स होते हैं, लॉग्स होते हैं, और क्या कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोल्टिंग है उसमें हाई बैंडविथ नेटवर्क इंटरकनेक्शंस होते हैं, जो रिमोट जर्नलिंग है उसमें लिमिटेड बैंडविथ होती है। ये दोनों का डिफरेंस है, लेकिन दोनों ऑटोमेटेड होती है, मतलब रिमोट जर्नलिंग भी ऑटोमेटेड होगी, इलेक्ट्रॉनिक वोल्टिंग भी ऑटोमेटेड होगी। एक चीज़ और है कि रिमोट जर्नलिंग में ये हो सकता है कि एक चीज़ और होती है, क्योंकि लिमिटेड बैंडविथ है तो वहाँ पर क्या है बैचेस बना दिया आपने, क्या है कि सुबह से आपका ऑफिस काम करता है, रात तक काम करता है, तो रात को डेटा ट्रांसफ़र होता है, बैच बन जाएगा, उस डेटा बैच बन जाएगा, रात को ट्रांसफ़र हो जाएगा और रात को चलता रहेगा, और इस तरीके से रिमोट जर्नलिंग होती है। इसके अलावा एक चीज़ है रिमोट मिररिंग, यानी ये भी रिमोट में मिररिंग, मतलब ये जो डिस्क अरे मिररिंग है उसका एक्सटेंशन है रिमोट मिररिंग। तो डिस मतलब मिररिंग मतलब क्या है कि डुप्लीकेट करना, मिरर करना, मिररिंग मतलब मिरर बनाना, मिरर इमेज बनाना, और रिमोट मिररिंग मतलब दूसरी जगह पर मिरर बनाना। तो आप ऐसा है मालूम पड़ा आपका साइट है, तो आपने कहा कि इस कहीं भूकंप ना आ जाए, सुनामी ना आ जाए, फ्लड ना आ जाए, तो आप डेटा को ऑफ साइट रखते हो, इतनी दूर रखते हो कि अगर एक जगह डिजास्टर हो गया तो दूसरी जगह वो डेटा रहेगा, तो यानी डिस्टेंस में रहेगा। कंपनी फैसिलिटी इतनी दूर होनी चाहिए कि मिरर इफेक्ट, मतलब सेम डिजास्टर से दोनों साइट्स में प्रॉब्लम ना आए। तो एक प्राइमरी या प्रोडक्शन अरे होगी और एक जो है उसका मिरर रखा जाएगा, यानी प्राइमरी प्रोडक्शन अरे का मिरर रखा जाएगा। तो रिमोट मिररिंग का फायदा यह है कि जो डेटा है आपका एक दूसरी जगह पर रखा हुआ है, और इसका फायदा कि अगर मान लीजिए कोई डिजास्टर हुआ तो आपको रेस्टोरेशन करने की जरूरत नहीं, उस डायरेक्टली वहां पर पैचअप हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए सपोज आपका डेटा है, आप डेटा मिररिंग हो रही है, मिरर क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि डेटा डुप्लीकेट हो रहा है, तो अगर मान लीजिए सपोज अभी डिजास्टर हुआ तो वो सिस्टम दूसरी जगह वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा और फिर अपना काम करने लगेगा। इधर दूसरी जगह पर आप जो जहां पर डिजास्टर हुआ है
वहाँ पर आप ठीक कर दो, प्रॉब्लम्स को ठीक कर लो। तो प्राइमरी और प्रोडक्शन अरे होगी और एक दूसरी अरे होगी, मिरर्ड अरे होगी। मिरर्ड अरे में सारा डेटा रखा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक वोल्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक मेथड से वोल्टिंग है, रिमोट जनरलिंग, रिमोट जगह पर जनरलिंग करेंगे, लॉक्स बनाएंगे, इसके बाद रिमोट मिररिंग, मिररिंग यानी कि मिरर्स बनाएंगे, मिरर्स मतलब डुप्लीकेट्स बनाएंगे। और कहाँ पर मैं बनाएंगे, एक तो एक जगह पर होगा और दूसरा दूसरी जगह पर होगा, दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस होगी। और डिस्टेंस क्यों होगी, ताकि अगर एक जगह पर कोई प्रॉब्लम आए, अगर कोई डिज़ास्टर स्ट्रक करे, तो दूसरी जगह पर वो डिज़ास्टर नहीं जाना चाहिए। इतनी दूरी होनी चाहिए कि दूसरी, अगर आपने पास पास रख दिया और डिज़ास्टर दोनों जगह पर स्ट्रक कर गया, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, रिमोट मिररिंग का जो ऑब्जेक्ट है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर काफ़ी डिस्टेंस है दोनों साइड्स के बीच में, मिरर्ड अरे के बीच में और प्राइमरी और प्रोडक्शन अरे के बीच में, या दो चीज़ें, प्राइमरी और प्रोडक्शन अरे और दूसरा मिरर्ड अरे, मिरर्ड अरे दो अरेज हैं, तो एक प्राइमरी या प्रोडक्शन अरे है और दूसरा मिरर्ड अरे है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए, दोनों में इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए डिजास्टर दोनों जगह स्ट्राइक ना करे। तो बेसिकली ये डेटा रिकवरी था, हम सिस्टम रिकवरी पढ़ेंगे इसके बाद। डेटा रिकवरी में हमने बेसिकली अगर उसे समराइज़ करें तो ये सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि भाई डेटा बहुत इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, पर्टिकुलरली जबकि ऑटोमेटेड सिस्टम्स बनने लग गए हैं। तो चूंकि ऑटोमेशन हो गया इसलिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया तो की स्टेप बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग में एक बहुत बड़ा की स्टेप ये है कि रिपोर्ट रिस्टोरेशन करें आप और डेटा का, या डेटा को आप इंस्टेंट एक्सेस हो। तो बहुत सारी मेथड्स हमने पढ़ी डेटा बैकअप की, फ्लॉपी डिस्क से लेकर हमने क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉल्टिंग तक पढ़ी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉल्टिंग में क्या है कि रिमोट लोकेशन में बैकअप डेटा चले जाता है। फिर हमने रिमोट मिररिंग की, रिमोट मिररिंग में क्या है, मिररिंग हो रही है, कंकरेंट अपडेटिंग हो रही है, यानी इस टाइम ही, जैसे बैंक है, बैंक में रिमोट मिररिंग बहुत ज़रूरी है। आपने आप एटीएम में गए, आपने पैसा निकाला, पैसा निकालते ही आपका दूसरा सिस्टम अपडेट हो गया, मिररिंग हो गई। अब मालूम पड़ा पहला सिस्टम, आपके दो डेटाबेस सर्वर हैं, एक मद्रास में एक दिल्ली में, दिल्ली वाला डेटाबेस बैठ गया, तो क्या है कि सारे के सारे डेटा, इससे एक माइक्रो सेकंड पहले के डेटा या कुछ पीको सेकंड पहले के, नैनो सेकंड पहले के डेटा सारे दूसरे सिस्टम में अवेलेबल हैं। तो क्या हुआ कि ये सिस्टम, दिल्ली वाला सिस्टम तो बैठ गया, दूसरी साइट वाला सिस्टम जो है, भले बॉम्बे में हो, मैड्रास में हो सपोज, या बेंगलोर में दूसरा डेटाबेस हो, वो काम करना स्टार्ट कर जाएगा और उसके पास सारा का सारा डेटा होगा और सारे के सारे सिस्टम्स उससे कम्युनिकेट करने लग जाएंगे क्योंकि ये सिस्टम बैठ गया है। तो रिमोट मिररिंग का ये फ़ायदा है। तो रिमोट मिररिंग हाईली कॉम्प्लेक्स है, फ्लॉपी डिस्क अपस्लीट हो चुका है जो हमारी स्टडी में दिया है, जो बहुत ही लीस्ट कॉम्प्लेक्स है। तो तरह तरह की चीज़ें हमारी स्टडी में दी हुई हैं, किस तरह से बैकअप किया जाएगा और बेसिकली कौन सी बैकअप्स कब चूज़ किया जाएगा, कौन सा मेथड्स ऑफ बैकअप यूज़ किया जाएगा, कौन सा टाइप ऑफ बैकअप यूज़ किया जाएगा। टाइप ऑफ बैकअप हमने पढ़े, फुल, इंक्रीमेंटल, डिफरेंशियल, और कौन सी मेथड्स यूज़ की जाएंगी, किस तरीके से किया जाएगा। आप फ्लॉपी डिस्क यूज़ करोगे, सीडी यूज़ करोगे, नेटवर्किंग यूज़ करोगे, वेब बेस्ड यूज़ करोगे, या इलेक्ट्रॉनिक वोल्टिंग करोगे, रिमोट जनरलिंग करोगे, या रिमोट मिररिंग करोगे। डिपेंड करता है किस तरह का सिस्टम है, किस तरीके के सिस्टम को हमें कंटिन्यूसली कंटिन्यूटी देनी है। थैंक्स।